दो लेवल्स पे, एट टू लेवल्स हम आज अपनी डिस्कशन को देखेंगे। तो ब्रॉडली हम मैक्रो लेवल हाँ चेंजेस को डिस्कस करेंगे। मैक्रो लेवल चेंजेस क्या है किताब में, फॉर एग्जांपल जैसे ओवरऑल जो किताब का अटायर है वो चेंज हो गया है, उसके अलावा चैप्टर बाय चैप्टर हम ग्लांस चैप्टर के शुरू में उन्होंने आपको एक बाकी पूरे चैप्टर की समरी मुहैया कर दी है चैप्टर एट अ ग्लांस के नाम से, और उसके बाद चैप्टर के एंड पे स्टिकी नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। पहले तो हम मेनली डिस्कस करेंगे मैक्रो लेवल चेंजेस आर देयर, मैक्रो लेवल चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो लेवल चेंजेस कौन कौन से हैं, एंड आफ्टरवर्ड वी आर गोइंग टू गो इन द डिटेल कि कंटेंट में क्या क्या चेंजेस हैं, और इफ देयर इज सम चेंज इन द कंटेंट व्हाट दैट चेंजेस एंड हाउ दैट चेंज योर लर्निंग एबिलिटी एंड लर्निंग कैपेसिटी। दिस डिस्कशन इज प्राइमरली मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो पिछले सेशन में BMBS पढ़ चुके हैं, बट वन वे और द अदर सम माइट बी ऑफ ड्यू टू सम रीजंस वर नॉट एबल टू टेक द एग्जाम इन ऑटम 19, एंड नाउ दे हैव ऑलरेडी स्टडीड द सब्जेक्ट, टेकन द सब्जेक्ट, एंड नाउ दे आर लाइक इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड कि अब तो किताब चेंज हो गई है या व्हाट नाउ वी शुड डू, वेदर वी शुड टेक द क्लासेस वंस अगेन और वेदर आर ओल्ड प्रिपरेशन इज एनफ टू मेक अस केपेबल टू पास द पेपर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आज एड्रेस करने हैं मेनली, ठीक है जी। तो वी विल स्टार्ट विद अ ब्रॉडर डिस्कशन, सम मैक्रो लेवल चेंजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक, एंड देन वी विल गो इन द माइक्रो लेवल, हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे, फिर हम कंटेंट बाय कंटेंट, चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे कि कंटेंट बाय कंटेंट क्या चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो लेवल चेंजेस जो है मेनली, इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो लेवल चेंजेस, तो मैक्रो लेवल चेंजेस इसके अंदर दो लेवल पे चेंजेस में एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट इज मैक्रो एंड द सेकेंड इज माइक्रो। ठीक, माइक्रो लेवल चेंजेस आर बेसिकली द चेंजेस इन द कंटेंट। आवाज क्लियर नहीं आ रही? इज इट बेटर नाउ? ओके ग्रेट, चलें। आई हैव स्विच्ड ऑफ द वीडियो सो दैट इट माइट बी डिस्टॉर्टिंग आवर ऑडियो, ठीक है जी। तो बेसिकली सभी टेक्स्ट जो है इसके अंदर ब्रॉडली दो किस्म के चेंजेस हम डिस्कस करेंगे, एक मैक्रो और एक माइक्रो। पहली बात तो ये आपको बता दूं, नो चेंज इन, कुछ चीजों में कोई चेंज नहीं है, ये नोट डाउन कर ले। नंबर वन, स्टडी ग्रेड, सिलेबस ग्रेड, सिलेबस ग्रेड में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सिलेबस ग्रेड के अंदर देयर इज नो चेंज। स्टडी ग्रेड या सिलेबस ग्रेड में कोई चेंज नहीं। नंबर टू, फ्लो ऑफ चैप्टर, चैप्टर्स के फ्लो में कोई चेंज नहीं है। 11 चैप्टर्स पहले थे, 11 चैप्टर्स अब हैं, जो टाइटल चैप्टर्स के पहले थे वही टाइटल चैप्टर के अब हैं, सेम टाइटल, ठीक है, सेम फ्लो, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। नंबर थ्री, नो चेंज इन ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ओवरऑल जो की कॉन्सेप्ट हैं उनमें कोई चेंज नहीं है, देर इज नो चेंज इन ओवरऑल कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सेम है, मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट सेम है, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट सेम है, टीम बिल्डिंग के, निगोशिएशन के, तो देर इज नो चेंज इन ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो पहले तो जो चेंजेस नहीं है पहले उनको जरा सामने रख लें, देर इज नो चेंज इन योर सिलेबस ग्रेड, ठीक है। पहले भी पांच पार्ट थे, वो ए बी सी डी ई, अभी भी पांच पार्ट हैं, ए टू ई, ठीक है। पार्ट ए में पहले दो चैप्टर्स हैं, अभी भी दो चैप्टर्स हैं। पार्ट बी में तीन चैप्टर्स हैं, अभी भी वही है। पार्ट सी में दो चैप्टर्स फॉल करते थे, अभी भी दो चैप्टर्स हैं। तो सिलेबस ग्रिड में कोई चेंज नहीं है, इनफैक्ट उसकी वेटेज में भी कोई चेंज नहीं है, उसकी जो परसेंटेज है उसमें भी कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इफ पार्ट ए इज प्रॉमिसिंग यू लाइक 25% मार्क्स,
अप टू 25% मार्क्स, तो उसमें से 25% मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा. इफ पार्ट बी इज प्रॉमिसिंग यू अप टू 20% मार्क्स, तो उसमें से आपको 20% मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा. सो देर आर नो सच ड्रास्टिक चेंजेस. ठीक है, तो इसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट, इसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि चेंज जो है, आपको याद होगा जिन लोगों ने बी एम बी एस पहले पढ़ी है, आपने पढ़ा था चेंज दो किस्म का होता है, इंक्रीमेंटल और रेडिकल या ट्रांसफॉर्मेशनल. ठीक है, तो जो चेंजेस हैं बी एम बी एस के अंदर वो इंक्रीमेंटल हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं. रेडिकल चेंजेस कोई नहीं है. तो पहले तो अपनी ये थॉट क्लियर कर लीजिए, पहले तो अपनी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए कि देयर इज नो रेडिकल चेंज. और ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया है जो पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ, जिन लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, या कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करा दिया है. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पहले नहीं थी, अब आ गई है, ऐसा नहीं है. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्रिटिकल टॉपिक जो पहले पढ़ा हुआ है वो माइनस कर दिया है, वो एलिमिनेट कर दिया है, ऐसा भी नहीं है. ठीक है ना, सो चेंजेस जो है वो इंक्रीमेंटल लेवल पे है, वो रेडिकल लेवल पे नहीं है. चेंजेस आर एट इंक्रीमेंटल लेवल, नॉट रेडिकल लेवल. तो ये पहले पॉइंट अपना क्लियर कर लीजिए. अब हम आते हैं चेंजेस की तरफ. नाउ वी विल टॉक अबाउट चेंजेस. चेंजेस दो किस्म के हैं. पहला लेवल है मैक्रो लेवल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल का चेंज कर दिया है, ठीक है, उसको जरा ज्यादा सो कॉल्ड अपीलिंग बना दिया है, किताब को थोड़ा सा ज्यादा अपीलिंग बना दिया है, इन अ सेंस कलर स्कीम चेंज कर दी. पहले कलर कॉम्बिनेशन था ग्रीन और व्हाइट, अब कलर कॉम्बिनेशन कर दिया है सी ब्लू एंड व्हाइट. थोड़ी बहुत कलर स्कीमिंग चेंज कर दी है, किताब का अटायर थोड़ा सा अपडेट कर दिया है. ठीक है, ओवरऑल अटायर जो है बुक का, द पर्सनैलिटी ऑफ द बुक यू मे से दैट, कि जो किताब की पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी थोड़ी सी अपडेट कर दी है. सो दैट इज वन चेंज. द अदर मैक्रो लेवल चेंजेस, अ ब्रॉडर चेंजेस, जो दूसरा ब्रॉडर चेंज है वो है आपका फॉर एग्जाम्पल चैप्टर एट अ ग्लांस. हर चैप्टर के शुरू में एक ब्रॉड ओवरव्यू डाल दिया है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. चैप्टर एट अ ग्लांस, क्या मेरी आवाज सबको डिस्टॉर्ट कर रही है? इफ एवरीबॉडी इज फेसिंग द प्रॉब्लम तो फिर मेरे एंड से इशू है, अदरवाइज आपके एंड से इशू है. यू मे रीजॉइन, आप रीजॉइन कर सकते हैं. चैप्टर एट अ ग्लांस, ठीक है, एक चैप्टर जो है उसका एक, हर चैप्टर के शुरू में, लाइक इफ आई शो यू, तो हर चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने एक ये एक उन्होंने एक ओवरव्यू दे दिया है पूरे चैप्टर का, चैप्टर एट अ ग्लांस. ठीक है, ओवरव्यू दे दिया, लाइक हर चैप्टर को तीन पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर दिया है. चैप्टर एट अ ग्लांस, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट मींस इस चैप्टर का सारा कंटेंट, और फिर चैप्टर के एंड पे स्टिकी नोट्स डाल दिए. रेफरेंसेस को छोड़ दें, रेफरेंसेस इज नॉट समथिंग टू कंसर्न यू. हर चैप्टर के एंड पे स्टिकी नोट्स डाल दिए. ठीक है, तो ये ब्रॉड चेंजेस हैं. ठीक है, चैप्टर एट अ ग्लांस ऐड कर दिया है और हर चैप्टर के एंड पे उन्होंने स्टिकी नोट्स, यानी एक चैप्टर का अगर आपने रीकैप करना है, इफ यू हैव टू रीकैप द होल चैप्टर, तो कुछ स्टिकी नोट्स अवेलेबल हैं. इन स्टिकी नोट्स के साथ आप एक चैप्टर को रीकैप कर सकते हैं. यू मे रीकैप द होल चैप्टर. आप सिंपली स्टिकी नोट्स जो हैं उनके थ्रू आप चैप्टर का एक क्विक, तो ये मैक्रो लेवल, ये तीन किस्म के चेंजेस. देयर ओनली थ्री मैक्रो लेवल चेंजेस. अटायर चेंज ये किया है बुक का, बुक की फील, बुक की अपील, बुक की कलर स्कीम, ये चेंज किया है. चैप्टर एट अ ग्लांस, हर चैप्टर के शुरू में एक ओवरव्यू दे दिया है और हर चैप्टर के अंदर कुछ स्टिकी नोट्स ऐड कर दिए हैं चैप्टर के एंड पे. इफ आई मे शो यू द स्टिकी नोट्स, अगर आप किताब में देखें, इफ यू हैव द बुक, तो हर चैप्टर के एंड पे उन्होंने इस तरह से स्टिकी नोट्स डाल दिए हैं, लाइक दिस. ये स्टिकी नोट्स, ये स्टिकी नोट्स आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे रहे हैं. मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट फाइव स्टेप प्रोसेस, थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब जो लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं पहले और जो मुझसे पहले पढ़ते आए हैं, तो दे माइट नो कि मैं माइंड मैप प्रोवाइड किया करता हूँ हर चैप्टर का.
तो ये बेसिकली वो माइंड मैप ही है एक्चुअली. द वे आई यूज टू प्रोवाइड माइंड मैप्स ऑफ द चैप्टर, तो ये माइंड मैप ही है एक्चुअली. उसको उन्होंने बस एक स्टिकी नोट की शक्ल में प्रेजेंट कर दिया है. ये सारी थ्योरीज है मैनेजमेंट की, ठीक है. दिस इज हाउ दे हैव एक्चुअली रिफाइंड द स्टिकी नोट. इसको उन्होंने इस तरह से मैनेज किया है. तो ये है मैक्रो लेवल चेंजेस टेक्स्ट बुक के. कलर देखें आप, किताब को थोड़ी सी बेहतर अपील कर दी है. पहले हेडिंग्स होती थी ग्रीन कलर की, अब हेडिंग है सी ब्लू कलर की, ठीक है. अदरवाइज फ्लो में कोई कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. कंटेंट से अभी हम आते हैं, ठीक है. तो आई होप के नाउ इट्स क्लियर कि क्या चेंज नहीं हुआ और क्या चेंज हुआ है. और क्या चेंज हुआ है, दो लेवल के चेंजेस पाए जाते हैं, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल. यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है. क्या चेंज नहीं हुआ, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड. सिलेबस ग्रिड चेंज नहीं हुई, फ्लो ऑफ चैप्टर्स चेंज नहीं हुआ, चैप्टर के टाइटल्स चेंज नहीं हुए, ओवरऑल कॉन्सेप्ट किताब का चेंज नहीं हुआ, ठीक है. नहीं, मैंने वीडियो डिस्कनेक्ट की हुई है जस्ट बिकॉज के जिन लोगों के पास नेट की स्पीड वीक है उनको फिर आवाज क्लियर नहीं पहुंचती, तो वीडियो मैंने खुद डिस्कनेक्ट की है, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस सम माइक्रो लेवल चेंजेस. कुछ माइक्रो लेवल चेंजेस किए हैं कंटेंट के अंदर, लेकिन अगेन फिर माइक्रो लेवल चेंजेस जो है वो भी इंक्रीमेंटल है, वो भी रेडिकल नहीं है. देयर आल्सो इंक्रीमेंटल, दे आर नॉट रेडिकल. यानी कंटेंट में कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं लिया है जो पहले नहीं था, या कॉन्सेप्ट में कोई बड़ा कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट माइनस नहीं कर दिया जो पहले था और अब नहीं है. तो चेंजेस किए जरूर हैं, बट द चेंजेस आर मोर ऑफ इंक्रीमेंटल नेचर, नॉट ऑफ वेरी रेडिकल नेचर. चेंजेस जो है दे आर ऑफ इंक्रीमेंटल नेचर बट नॉट ऑफ वेरी रेडिकल नेचर. अपने अपने ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक है. अपने अपने माइक जो है आप उनको ऑफ कर लें. एग्जैक्टली, माइनर लेवल चेंजेस आर देयर, माइनर लेवल चेंजेस आर देयर बट नॉट वेरी ब्रॉडर और वेरी बिग चेंजेस, ठीक है. पूरा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ. अपने अपने मैं आप लोग प्लीज अपने अपने माइक को म्यूट कीजिए, अपने अपने माइक को जरा म्यूट कर लें. मैं भी यहाँ से वैसे कर रहा हूँ, ठीक. अभी भी किसी का माइक ओपन है, आई एम नॉट श्योर किसका ओपन है. सम माइक इज स्टिल ओपन. ये एक माइक ओपन है. हमजा प्लीज, मोहम्मद हमजा जरा अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज. ओके, सो देर आर इंक्रीमेंटल चेंजेस नॉट रेडिकल चेंजेस. अब वो इंक्रीमेंटल चेंजेस किस किस्म के हैं? एक तो इंक्रीमेंटल चेंजेस दे आर फॉर गुड, ठीक है. ये बेहतरी के लिए है. इंक्रीमेंटल चेंजेस आर फॉर गुड, ये आपकी बेहतरी के लिए है. टॉपिक की के फ्लो को बेहतर कर दिया है, टॉपिक के अंदर थोड़ी सी वर्डिंग इम्प्रूव करने की कोशिश की है, टॉपिक्स के अंदर जो डिस्कनेक्ट पहले मौजूद थे कि एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते एकदम कोई नई बात शुरू हो जाया करती थी, वो चीज़ थोड़ी सी कम की है. फिर कॉन्सेप्ट्स और मॉडल्स को डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डायग्राम्स ऐड कर दी हैं, डायग्राम्स हैव बीन एडेड, ठीक है ना. तो कंटेंट लेवल के ऊपर, इफ यू टॉक अबाउट द कंटेंट, तो कंटेंट लेवल के ऊपर कुछ माइक्रो चेंजेस मौजूद हैं. कुछ माइक्रो चेंजेस जैसे फ्लो ऑफ टॉपिक बेहतर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. उसके बाद प्रोसेस आ गया मैनेजमेंट का, फिर उसके बाद मैनेजमेंट के लेवल्स आ गए, ठीक है. मैनेजमेंट, अब पहले ये लेवल्स जो हैं ये इतने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए ऐसे पिछले टेक्स्ट बुक के अंदर. जिन लोगों ने पिछला टेक्स्ट देखा है दे माइट बी नोइंग कि मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो इतने क्लियरली एक्सप्लेन पहले टेक्स्ट में नहीं किए गए थे. तो यहाँ पे उन्होंने बड़ा क्लियरली मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. फिर ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स पहले भी थे, अभी भी हैं. उसके बाद फिर स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले भी थे, इवन वर्ड टू वर्ड सेम है, पूरे पूरे पैराग्राफ सेम है, पूरा पूरा टॉपिक सेम है. लीडरशिप का कॉन्सेप्ट पहले भी था, अब भी है, ठीक है. डिफरेंस ऑफ लीडर एंड मैनेजर, इसको मजीद बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए
आठवें चैप्टर का वॉरेन बेने का मॉडल था उसको उठा के फर्स्ट चैप्टर में प्लेस कर दिया ताकि आप फर्स्ट चैप्टर में ही समझ लें कि लीडर में और मैनेजर का फर्क क्या होता है। हम कहीं जाके एट चैप्टर में समझते थे कि लीडर में और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। नाउ दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर राइट इन द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। देखिए अगर तो मैं भी उस तरफ आता हूं, इफ यू टॉक अबाउट कॉन्सेप्चुअल चेंज तो फिर तो आपको नई बुक की वर्डिंग को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ एक वर्ड का सिनोनिम है तो फिर आप पुरानी बुक की वर्डिंग को यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। और जैसे मैंने कहा कि 80% टेक्स्ट भी सेम है, 80% भी सेम नहीं। देखिए आप ये अगर कहें कि कंप्लीटली नई बुक को आप साइड पर रख दें और आप पुरानी बुक को ही प्रिपेयर करके पेपर दें तो दैट आई वोंट रिकमेंड। आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों किताबों को पैरेलल चला सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों बुक्स को पैरेलल चलाएं। आप हाँ जी बिल्कुल ओल्ड लेक्चर देखें, अगर आपने पहले लेक्चर लिए हुए उनको समझें प्रिपेयर करें। 80% तो टेक्स्ट भी सेम है किताब का, 80% जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब ये एक माइक्रो लेवल चेंज है, छोटा सा चेंज है कि मार्केट बुक में अगर यहाँ पे ओपन कर लूँ, जस्ट अ मोमेंट लेट मी ओपन इट हियर। लेट द बुक ओपन हियर। जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, पुराने बुक के अंदर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को बड़ा प्रिसाइजली इतना अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था। अगर आप पुरानी बुक का फर्स्ट चैप्टर निकालें तो उसमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको डायरेक्टली नहीं मिलती, अच्छी डेफिनेशन नहीं मिलती। ठीक है, डेफिनेशन नहीं मिलती। शाहरुख खान, दिस डिसीजन वुड बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, यू मे रिक्वेस्ट द कोऑर्डिनेटर, यू मे रिक्वेस्ट देम कि इस तरह का अगर कोई क्रैश कोर्स ऑफर हो जाए फॉर जस्ट फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बुक से पढ़ा हुआ है, एक महीने का भी कोर्स बहुत है आपके लिए इस तरह का। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट को पिछली बुक में क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था, यहाँ पे उसने पहली लाइन में डेफिनेशन दे दी आपको मैनेजमेंट की। दैट इज समथिंग बेटर। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पहले कभी कोट नहीं की गई, इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पहले कभी कोट नहीं की गई। तो अब आपको यहाँ उसने कुछ अच्छी अच्छी एग्जांपल्स कोट करके दे दी हैं, अगेन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग। ऑब्वियसली एग्जांपल्स पेपर में तो नहीं आएंगी, ये सिर्फ रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट। ये सिर्फ आपके रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आप इनको पढ़ें और आप इनको पढ़ के अंदाजा लगाएं कि अच्छी मैनेजमेंट कैसे होती है, अच्छी मैनेजमेंट के पिलर क्या होते हैं, हाउ डज गुड मैनेजमेंट वर्क। ठीक है, तो ये एक अच्छा जेस्चर है, दैट्स अ गुड जेस्चर। इसके ऊपर मेहनत हुई है, इसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, अरे बैकग्राउंड सिर्फ रीडिंग के लिए होता है। देखें किसी भी थ्योरी का जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होता है। बैकग्राउंड को आप सिर्फ पढ़ लें, कॉन्सेप्चुलाइज कर लें, बट अगेन एग्जामिनर कभी भी किसी थ्योरी का बैकग्राउंड नहीं पूछेगा आपसे। आप अगर पास पेपर निकाल के देखें यू वुड रियलाइज कि थ्योरी का कभी भी आपसे बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, बल्कि आपसे थ्योरी पे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है। जैसे अभी सितंबर 19 का जो पेपर आया था, आउची की थ्योरी जी पे सवाल आया था, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पे क्वेश्चन आया था। एग्जामिनर डिड नॉट आस्क अबाउट द बैकग्राउंड, एग्जामिनर ने बैकग्राउंड नहीं पूछा था, एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पुट किया था। ठीक है ना, ओके। ये थोड़ी सी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये टैब आ गई होगी ब्लैक कलर की, अभी ये फाइल ओपन हो रही है, एज सून एज इट विल बी ओपन ये चली जाएगी। But anyhow, I am telling you कि ये है माइक्रो लेवल चेंज, जिसे कहते हैं माइक्रो लेवल। अब ये देखें एक और प्रिसाइजली उसने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया मैनेजमेंट। वहाँ एक और मैक्रो लेवल चेंज जो मैं स्किप कर गया अभी, वन मोर मैक्रो लेवल चेंज, वो ये कि आपकी जो प्रैक्टिस किट है वो डिसकॉन्टिन्यू कर दी है। जी मैं अभी उस तरफ ही आ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस किट को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया है और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्टडी टेस्ट का हिस्सा बना दी। और ये सारे पास पेपर क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे पास पेपर क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से।
तो स्टडी टेक्स्ट के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं और प्रैक्टिस किट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. लाइक पहले BMBS जो है, जी अहमद आई बी कमिंग टू योर क्वेश्चन, BMBS जो है पहले उसकी प्रैक्टिस किट अलग हुआ करती थी, अब BMBS की प्रैक्टिस किट नहीं है. ठीक है, ओके, यू हैव टेकन फुल सेशन इन फैक्ट लास्ट टाइम. ठीक है, नाउ अगेन इसमें अब ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आंसर करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा. आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपने टेस्ट कितने दिए थे, आपने मिड टर्म दिया था या नहीं दिया था, आपने मॉक दिया था कि नहीं दिया था, आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं. ठीक है, वलीद इस तरह का देखें, दिस सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग कि ये याद करना है ये याद नहीं करना है. ठीक है, इसमें ये इस तरह की डिबेट नहीं है, इसमें डिबेट ये है कि चीजों को कॉन्सेप्चुलाइज कैसे करना है. बेटा लैला बशीर, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक डिसकंटिन्यू हो गया है. क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस नो डाउट अच्छे हैं, तैयारी में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन बैंक BMBS का डिसकंटिन्यूड है, इसलिए उसने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट के अंदर एकोमोडेट करके दे दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कोचिंग एंड मेंटोरिंग का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया उसने आपको, ये दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ कोचिंग एंड मेंटोरिंग. लेट मी ब्रिंग इट अप हियर. ये उसने कोचिंग एंड मेंटोरिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया आपको. ठीक है ना, तो अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने थोड़ा सा टेक्स्ट को प्रैक्टिस क्वेश्चन ओरिएंटेड बना दिया है टेक्स्ट के अंदर. ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज इट इज पूछ सकता है, आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन. ठीक है, नहीं, पास्ट पेपर वुड डेफिनेटली बी नीडेड टू प्रिपेयर, ऑब्वियसली विदाउट पास्ट पेपर, विदाउट यू नो सॉल्विंग पास्ट पेपर, विदाउट अटेम्प्टिंग पास्ट पेपर क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड. पास्ट पेपर को सॉल्व किए बगैर, प्रैक्टिस किए बगैर आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अच्छा प्रिपेयर करेंगे. खैर, ये भी एक मैक्रो लेवल चेंज है, ये भी एक मैक्रो लेवल चेंज है. नहीं नहीं नहीं, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैनेजमेंट स्किल्स में दे रहे हैं. ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको वेबर का दे रहा है, मैक्स वेबर का दे रहा है. वन प्रैक्टिस क्वेश्चन इज बीइंग गिवन फॉर सॉरी नॉट मैक्स वेबर, किसका दे रहा है, एक मिनट लेट मी टेल यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ इसका दे रहा है, विलियम आउची का दे रहा है, आउची का दे रहा है दिस इज. लेकिन अगर आप पास्ट पेपर देखें तो और भी क्वेश्चन के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और भी टॉपिक से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं पास्ट पेपर के अंदर, सो दे आर नॉट एनफ, ये एनफ नहीं है. हाँ, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली ये पास्ट पेपर से उठाए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आउची की थ्योरी वी का फर्स्ट चैप्टर में, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम September 2016 अटेम्प्ट, September 2016 की अटेम्प्ट का सवाल है, जिसमें एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी वी के मुताबिक जापानीज कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स मांगे थे और ये लिस्ट डाउन आपने करने थे. गॉट इट, तो इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर नॉट एनफ जो सिर्फ टेक्स्ट में गिवन है. जी बिल्कुल, ये वाला लेक्चर आई एम श्योर कि अपलोड हो जाएगा, आई होप कि अपलोड, ये इट्स ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन है. ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल बी अवेलेबल. सो द थिंग आई वांट टू ब्रिंग होम इज दैट इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, रेडिकल चेंजेस नहीं है. अगर आपने पिछली किताब से प्रिपेयर किया हुआ है तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें या आप ये प्रैक्टिस ना करें कि आप नई किताब को खोलें भी नहीं और आप पिछली किताब को ही दोबारा से रिवाइज करें. आप दोनों किताबें पैरेलल रखें. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द थ्योरीज, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने थ्योरीज को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कर दिया, बेहतर कर दिया, उसने थ्योरीज को थोड़ा सा बेहतर कर दिया यहाँ पे. ठीक है, उसने थ्योरीज को यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया. कैसे इम्प्रूव किया, ये देखिए, उसने यहाँ पे आपको एक कंप्लीट सीक्वेंस दे दिया. ठीक है, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड 1, क्लासिकल थ्योरी पीरियड 2, नियो क्लासिकल थ्योरी बिहेवियरल अप्रोच पीरियड 3. कोई नया नाम तो नहीं है इनमें, कि है इनमें कोई नया नाम, ये वही नाम है जो सारे पहले पढ़े हुए हैं, है ना, ये वही नाम है ना जो आपने सारे पहले पढ़े हुए हैं, इनमें कोई नया नाम तो नहीं है. हॉथॉर्न स्टडीज, एल्टन मायो, इसी मैकग्रेगर, मॉडर्न थ्योरीज में हर्ज़बर्ग, पीटर ड्रकर, कोई थ्योरी चेंज नहीं है, सारी थ्योरी सेम है, सारी की सारी थ्योरी सेम है. सिर्फ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की है. ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेहतर किया. तो आप प्रिपरेशन पुरानी बुक से ही करें, आई विल नॉट स्टॉप यू फॉर दैट. ठीक है जी, टॉपिक वाइज पास पेपर जो पहले थे वही है एग्जैक्टली.
बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मैं उन्हीं पे देख रहा, अभी भी मैं उन्हीं को लेकर चल रहा हूँ, वही प्रेप करें, क्योंकि टॉपिक्स, देखिए टॉपिक्स तो सेम है ना, टॉपिक्स तो सेम है ना, क्लासिकल थ्योरी के अंदर फॉर एग्जांपल टेलर के चार प्रिंसिपल्स तो सेम है ना, ठीक है। हाँ क्या किया, डायग्राम डाल दिए, दैट्स इट, एक डायग्राम ऐड कर दिए, ये पहले नहीं थी। तो इंक्रीमेंटल चेंजेस में टॉपिक बाय टॉपिक कुछ डायग्राम ऐड कर दिए, फॉर एग्जांपल वेबर की ब्यूरोक्रेसी में पहले डायग्राम नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी वेबर की ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट सेम है, वही जो पॉइंट्स पहले पढ़े थे हमने वही सेम पॉइंट्स हैं, वेबर के छह पॉइंट्स पहले पढ़े थे, अगर आपको पुरानी बुक्स के पॉइंट याद हैं तो आप याद करें, सेम है ना, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इम्पर्सनैलिटी, इम्पार्शियलिटी, रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट, ऑब्वियसली वेबर की थ्योरी है तो कभी चेंज तो नहीं ना होगी, अगर वेबर की थ्योरी वेबर के नाम से आ रही है तो कभी चेंज तो नहीं होगी ना, वो सेम रहेगी, इट विल रिमेन द सेम। हाँ सिर्फ वैल्यू क्या ऐड की है, वैल्यू ये ऐड की है कि डायग्राम डाल दिए, दैट्स इट, अ डायग्राम इज एडेड, ये डायग्राम ऐड कर दिए, सिंपल, ठीक है। रोजमेरी स्टीवर्ट की थ्योरी सेम है, ठीक है, मायो की थ्योरी सेम है, मैकग्रेगर की थ्योरी सेम है, देख रहे हैं थ्योरी वाई क्या है, थ्योरी एक्स क्या है, आउची की थ्योरी सेम है, आउची की थ्योरी में सिर्फ टेबल माइनस कर दिए, आउची की थ्योरी में सिर्फ थ्योरी जी के फीचर्स रहने दिए, ठीक है ना यार, वो टेबल बना होता था आउची की थ्योरी के अंदर जिसमें अमेरिकन वे ऑफ मैनेजमेंट, जैपनीज वे ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, अलग अलग करके बताते थे। तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया है, उन्होंने अब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है बाय ओनली फोकसिंग ऑन द फीचर्स ऑफ थ्योरी जी, सिर्फ थ्योरी जी के फीचर पे फोकस किया, ठीक है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया है सितंबर 2016 की अटेम्प्ट का। मॉडर्न थ्योरीज से आ रहे हैं, मॉडर्न थ्योरीज के अंदर मॉस कैंटर की थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरीज के अंदर पीटर ड्रकर की थ्योरी है, सेम है, कोई फर्क नहीं है, पीटर ड्रकर के पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम है, देख लें आप, ठीक है ना, मॉस कैंटर की थ्योरी एग्जैक्टली सेम है, जो पॉइंट्स पहले डिस्कस हुए थे मॉस कैंटर के वही अब डिस्कस हो रहे हैं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जिस बुक का जिक्र पहले किया गया था अब भी उसी बुक का जिक्र कर रहे हैं, एलिस इन द वंडरलैंड, ठीक है, हेनरी मिंट्सबर्ग के मैनेजर के रोल्स बिल्कुल सेम है, हाँ डायग्राम ऐड कर दिए, तो डायग्राम के थ्रू चीजों को थोड़ा बेहतर समअप करने की कोशिश की गई है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो जैसे पहले टैकल करते थे वैसे ही करेंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ के ये तो खैर अब एक थोड़ा सा और आपको हम डी ट्रैक हो जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये तो एक्चुअल क्लास का टॉपिक है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, इट डज नॉट फॉल इन द स्कोप ऑफ टुडेज डिस्कशन, ठीक है ना, बट एनी हाउ आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन इफ टाइम अलाउज इन द एंड। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को टैकल करना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के आप उससे जज करते हैं कि इसके अंदर जो थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने को कह रहा है वो आपने उसके अंदर किस तरह से लेके आनी है, उसके किन किन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अप्लाई को समझने और प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस जो है आपकी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है क्योंकि स्टडी ग्रिड में कोई चेंज नहीं है बेटा, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द स्टडी ग्रिड, सो देर बी नो चेंज इन द पेपर पैटर्न। ओके, पेपर पैटर्न में चेंज तब आता जब आपकी सिलेबस ग्रिड चेंज होती, जब हमारे जो चेंजेस हैं वो इंक्रीमेंटल की बजाय रेडिकल लेवल पे होते हैं, हमारे चेंजेस रेडिकल नहीं है, हमारे चेंजेस सिर्फ इंक्रीमेंटल है, राइट। तो एक पहला जो माइक्रो लेवल चेंज है, पहला जो माइक्रो लेवल चेंज है, जो कंटेंट लेवल चेंज है, इसमें पहला चेंज जो है दैट इज बेटर फ्लो ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का थोड़ा सा फ्लो बेहतर कर दिया है, ठीक है, टॉपिक्स का थोड़ा सा सीक्वेंस बेहतर कर दिया है, फ्लो बेहतर कर दिया। दूसरा इसमें जो माइक्रो लेवल चेंज है वो है डायग्राम, हर टॉपिक की डायग्राम ऐड कर दी है, मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक की डायग्राम ऐड कर दी, ठीक है, और डायग्राम से टॉपिक को समझना, इनकैप्सुलेट करना, उसको समअप करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, रिवाइज करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही उसने वेबर की डायग्राम डाल दी है, उसने हेनरी मिंट्सबर्ग के रोल्स की डायग्राम डाल दी है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अंदर उसने टेलर के प्रिंसिपल्स की डायग्राम ऐड कर दी है, ठीक है, टेलर के प्रिंसिपल्स की डायग्राम उसने ऐड कर दी है, दिस इज वेयर इट इज, इसी नहीं बेटा, हाँ इस तरह का चेंज तकरीबन सारे चैप्टर्स के अंदर, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा ज्यादा है, इस तरह का चेंज जो है वो तकरीबन सारे चैप्टर्स में है, थोड़ा थोड़ा, नॉट अगेन, फ्लो चैप्टर का इंटैक्ट है, जो फ्लो है ना चैप्टर का वो इंटैक्ट है, ठीक है, जो चैप्टर का फ्लो है, फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट स्किल्स एंड में होते थे, फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट स्किल्स वॉज द लास्ट टॉपिक, यहां पर उठा के मैनेजमेंट के स्किल्स को ऊपर ले आया है, बस ये चेंज किया। आफरीन, अगेन क्योंकि वर्डिंग थोड़ी सी अपडेटेड है, एग्जाम्पल्स बेहतर है, ठीक है, कंटेंट अपडेट हुआ है स्लाइटली, तो अगर आपने पुरानी बुक से प्रिपेयर किया हुआ है तो देर इज नो हार्म इन कीपिंग द बोथ टेक्स्ट टुगेदर, ठीक है, पढ़े आप बेशक पुरानी बुक से, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेटिस्फेक्शन आप नई किताब का एक फ्लो देख लें, जस्ट लुक एट द फ्लो ऑफ द न्यू बुक, कि नई बुक के अंदर होकर फाइन ये टॉपिक यहाँ पढ़ा रहे, अच्छा इसमें कोई नई चीज तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं मैनेजर की। वेल आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, आपने पहले सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ और एंड यू आर गोइंग टू टेक इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट इज रिकमेंडेड कि स्टार्ट अफ्रेश, नए सिरे से स्टार्ट करें, ठीक है, पुराने लेक्चर्स दोस्तों से इधर उधर से लेके प्रिपेयर ना करें, उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। मतलब ठीक है आप पढ़ लेंगे, इफ यू आर अ वेरी गुड लर्नर यू मे गो थ्रू दैट, बट द थिंग इज व्हाई नॉट स्टार्ट अफ्रेश, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, देन यू विल सेव योर टाइम बाय जस्ट यू नो रिवाइजिंग फ्रॉम द ओल्ड लेक्चर, रिवीजन देन, ठीक है, एंड देन कीपिंग द न्यू टेक्स्ट अहेड, और उसके साथ साथ फिर आप उसे प्रिपेयर करें। अच्छा जी, अब आ जाए सेकंड चैप्टर के ऊपर। अच्छा, सेकंड चैप्टर के अंदर भी कंटेंट बिल्कुल सेम है, एनवायरमेंट स्कैन, अगेन टेस्ट एनालिसिस, पूरे का पूरा वही है, वो और बात है कि एग्जामिनर इसको कभी टेस्ट नहीं करता, अभी तक ये वाला टॉपिक लीस्ट टेस्टेड है पेपर में, ठीक है, दिस टॉपिक इज लीस्ट टेस्टेड, लेकिन अगेन क्या किया है वही बात, डायग्राम ऐड कर दिए, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एनालिसिस की, जैसे ये टेस्ट की डायग्राम डाल दी क्विकली समराइज करने के लिए, फिर इकोनॉमिक लाइफ साइकिल दे दी, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ साइकिल ऐड कर दी इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर, फ्लो बिल्कुल सेम है, फ्लो इज ये देखें इकोनॉमिक लाइफ साइकिल ऐड कर दी, डायग्राम ऐड किए हैं, डायग्राम आर एडेड, ठीक है, इसी तरह ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना, अगेन ये डिबेट बात की है, ये आपकी क्लास की डिबेट है, अगेन इट मे वेरी फ्रॉम टीचर टू टीचर, कोई टीचर इसको स्किप करवा देते हैं, एटलीस्ट मैं नहीं करवाता, आई गो थ्रू एवरी सिंगल टॉपिक, ठीक है, ये क्लास की डिबेट है। अच्छा, फिर डेटा के अंदर ये चीज़ें ऐड कर दी हैं, वर्चुअल कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, इसके अंदर ये कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, ठीक है, बिग डेटा डाल दिया है, AI, अब लेकिन आप जब आप पुरानी बुक के साथ साथ नई बुक को रख के पढ़ेंगे तो अब ये रिलेटिव एग्जाम्पल है। अच्छा, पहले वर्चुअल कंपनी की एग्जाम्पल में सोशल मीडिया की एग्जाम्पल नहीं होती थी, बिग डेटा की एग्जाम्पल नहीं होती थी, ठीक, अब उसने थोड़ा सा इसको अपडेट कर दिया है, कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक वही है, वर्चुअल कंपनी का टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, यू हैव डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ वर्चुअल कंपनी आउटसोर्सिंग के अंदर, आपने याद है पढ़ा था वर्चुअल कंपनी का टॉपिक, वर्चुअल कंपनी वो होती जो सारे के सारे फंक्शन को आउटसोर्स कर देती है, बट नाउ व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव स्लाइटली अपडेटेड विद न्यू एग्जांपल, इकोलॉजिकल फैक्टर्स सारे वही हैं, यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, हेडिंग्स भी वही हैं, स्वॉट एनालिसिस की उसने यहाँ पे एक डायग्राम ऐड कर दी है, ये डायग्राम डाल दी है, यहाँ स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेसेस हैं, इवन एग्जाम्पल भी सेम है। जी जी, पेपर ट्रेंड बिल्कुल सेम रहेगा, टॉपिक टेस्टिंग ट्रेंड भी सेम रहेगा अहमद, बिकॉज देर इज नो रेडिकल चेंज, तो पेपर भी सेम रहेगा और उसका जो ट्रेंड है वो भी सेम रहेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज द सेम, ओके, वैल्यू चेन का मॉडल भी सेम है, कोई चेंज नहीं है वैल्यू चेन के मॉडल के अंदर भी, ठीक है, हाँ बस ये डायग्राम बेहतर कर दिए, ठीक है, इसी तरह फाइव फोर्सेज मॉडल भी सेम है, फाइव फोर्सेज मॉडल के अंदर भी, अब ये देखें ये क्वेश्चन पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी डाल दिया, स्वॉट एनालिसिस का क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर इज ऑल्सो एडेड स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, पास्ट पेपर क्वेश्चन भी ऐड कर दिया स्वॉट एनालिसिस का। हमजा, मैं अगेन इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग इन द स्कोप ऑफ टुडेज डिस्कशन, नॉर्मली मैं स्किप नहीं करवाता होता, वैसे मैं उसे स्किप नहीं करवाता होता क्योंकि यू नेवर नो एग्जामिनर कब कहाँ से क्वेश्चन पुट कर दे, और हम इतने खुशकिस्मत तो हैं नहीं कि जो चीज़ हम स्किप करें उसमें से सवाल ना आए, इतने अच्छे तो हम हैं नहीं, अपना हमारी इतनी अच्छी किस्मत होती है तो जो हम स्किप करते हैं उसी में से सवाल आता है, वेरी हाउ, तो फाइव फोर्सेज मॉडल
को बेहतर कर दिया, डायग्राम नहीं थी पहले डायग्राम डाल दी, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है, स्टिकी नोट्स आ गए, कोई चेंज नहीं है। ओके जी, तो थर्ड चैप्टर जो है इसके अंदर भी आप देखें, उसने सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अच्छी अच्छी डायग्राम्स डाल दी, स्टेक होल्डर का टॉपिक सेम है, स्ट्रक्चर का टॉपिक सेम है, फंक्शनल की डायग्राम भी सेम है, ठीक है, डिविजनल की डायग्राम भी सेम है, ठीक है, सारी सेम डायग्राम है। हाँ देखें, उसने एग्जाम्पल्स अपडेट कर दी है, देखें यहाँ उसने ज्योग्राफिकल डिविजन की एग्जाम्पल दे दी है, उसने प्रोसेस डिविजन की एग्जाम्पल दे दी है। जी जी, एट अ ग्लांस का इससे मुराद है कि पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है, पूरे चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, इसे एट अ ग्लांस कहते हैं, चैप्टर एट अ ग्लांस, व्हाट इज, व्हाट आर यू डूइंग। फिर यूनिलिवर का स्ट्रक्चर दे दिया, यूनिलिवर का स्ट्रक्चर क्या है, अगेन ये एग्जाम्पल है, दैट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैट्रिक्स की डायग्राम पहले भी थी, अभी है, ठीक है, उसके बाद चार बक्स की एग्जाम्पल दे दी है, प्रोडक्ट बेस्ड डिविजंस डाल दी है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, डिपार्टमेंटलाइज, चेन ऑफ कमांड, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड, पहले कॉन्सेप्ट था लेकिन डायग्राम नहीं थी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, वाइड नैरो टॉल फ्लैट, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डायग्राम्स डाल दी हैं, डायग्राम्स ऐड किए हैं सर, आप देख सकते हैं मोर एंड मोर डायग्राम्स आर देयर, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनिक का डिफरेंस पहले भी था अभी है, देख रहे हैं ना, तो देर इज नो रिमार्केबल चेंज। इसी तरह आगे आ जाएं, चेन मैनेजमेंट के अंदर भी डायग्राम्स ऐड कर दी हैं एग्जांपल्स के साथ, कर्ट लेविन का मॉडल पहले भी था अभी है, पर्सपेक्टिव प्लान चेन थ्योरी पहले भी थी अभी है, डायग्राम्स ऐड कर दी हैं, देख रहे हैं डायग्राम ऐड हो गई है, डायग्राम्स डाल दी हैं। सिर्फ ये है ना, ना नहीं, डायग्राम ना पेपर में एग्जामिनर बनाने को कहेगा, ठीक है, और अगर टाइम है तो बना दे, वरना इट इज नॉट मैंडेटरी, बनानी नहीं है आपने, डायग्राम बनाने पे बहुत टाइम लग जाएगा, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप डायग्राम को ड्रॉ करें, ओके, और ना एग्जामिनर कभी डायग्राम, ये मैकिन्से मॉडल की पहले डायग्राम नहीं थी, डायग्राम डाल दिए, हार्ड फैक्टर्स, सॉफ्ट फैक्टर्स, टॉपिक वही है ना सारा मैकिन्से का। इसी तरह एडगस्काइन, एडगस्काइन का मॉडल कल्चर के अंदर, एग्जैक्टली डायग्राम इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इनकैप्सुलेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ आपने इनकैप्सुलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट, ठीक है, सिर्फ आपने एक कॉन्सेप्ट को सम अप करना है, समराइज करना है, सिर्फ उसके लिए है डायग्राम, दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ डायग्राम। कल्चर पे आ जाए, कल्चर के अंदर भी एग्जैक्टली फैक्टर्स दैट शेप कल्चर, सारे फैक्टर्स पढ़े हुए हमने, ठीक है, अब देखें पहले हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे उसके अंदर नेचर ऑफ क्लाइंट नहीं होता था, ये कंटेंट में ऐड हो गया, किसी तो अगर आप फॉर एग्जांपल पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड साइज, लीडरशिप, एनवायरनमेंट एंड इवेंट, अब नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ क्लाइंट, ये दो नए फैक्टर्स ऐड हो गए, ये पहले टेक्स्ट में नहीं होते थे, याद है आपको, जिन लोगों ने पहला टेक्स्ट पढ़ा हुआ है उसमें ये दो फैक्टर्स नहीं होते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप नया टेक्स्ट, मतलब व्हेन यू आर, यू नो, दो यू हैव प्रिपेयर्ड इट अर्लियर, बट व्हेन यू आर going to revise it, ठीक है ना, आप उसे नए टेक्स्ट को भी साथ साथ रख लें, टॉपिक बाय टॉपिक कंपेरिजन कर लें, ताकि जहां आपको लगे कि मुझे ये नई एग्जाम्पल पढ़ लेनी चाहिए, मुझे ये नया पॉइंट ऐड कर लेना चाहिए, वहां पे आप उसे फॉरन ऐड कर लें। ऑब्वियसली अगर आपने पहले पढ़ा है और अगर आप उसको दोबारा से अब रिवाइज करेंगे तो थोड़ी सी एफर्ट तो लगेगी आपकी, क्योंकि कॉन्टेंट थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है, डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बस 4 बजे तक है, 1 घंटे का सेशन है हमारा, वी विल वाइंड इट अप एट 4, ठीक है। कल्चरल वेब, एडगस्काइन, अब ये देखें पहले चार्ल्स हैंडी के मॉडल की डायग्राम नहीं होती, जब डायग्राम डाल दिए, ठीक है, तो डायग्राम कर देर ना हो, डायग्राम जो है ये अब इसके अंदर स्टिकी नोट्स आ गए। इसी तरह परसेप्शन पे आ जाए, इम्प्लॉई बिहेवियर, सेंसेशन वर्सेज परसेप्शन, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, सारे टॉपिक सेम है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, perceptual problems in judging others, stereotyping, सारे factors, attitudes, components, diagram नहीं थी, अब diagram आ गई, पहले diagram नहीं थी, अब diagram आ गई। sticky notes again revision है, इस chapter में हमने क्या क्या पढ़ा है और उसके की concepts क्या हैं, for example ये sticky notes, culture की definition दे दी, culture के factors बता दिए, culture की importance बता दी, इसी
कल्चर की इम्पोर्टेंस बता दी, एडगर स्काइन का कॉन्सेप्ट आ गया, चार्ल्स हैंडी का कॉन्सेप्ट आ गया, हॉस्टिड का मॉडल आ गया। वेल अगर फ्लो ऑफ टेक्स्ट देखा जाए तो बेहतरी आ गई है, थोड़ी बहुत बेहतरी आ गई है, बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ स्लाइटली बेटर। अगर फ्लो ऑफ टेक्स्ट देखा जाए तो यस इट इज स्लाइटली बेटर, बेहतर है थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह सेवन चैप्टर पे आ जाए मोटिवेशन पे, मोटिवेशन के अंदर भी यही कुछ है, अगेन सब कुछ वही है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, सेम वही कॉन्सेप्ट हैं, प्रोसेस थ्योरीज क्या है, कॉन्टेंट थ्योरीज क्या है, एवरीथिंग इज द सेम, सब कुछ सेम है, ठीक है। हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी आ गई, वही वाले सारे फैक्टर्स हैं। नहीं नहीं स्टिकी नोट्स याद नहीं करने यार, स्टिकी नोट्स सिर्फ अपनी रिवीजन के लिए हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर ओन रिवीजन। यार ये डायग्राम मैं बोर्ड पे ड्रॉ किया करता था, जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है दे माइट रिमेंबर कि मैं ये वाली डायग्राम बोर्ड पे बनाया करता था, रिमेंबर दैट, कोई अगर मेरा पुराना स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, तो आई यूज टू ड्रॉ दिस डायग्राम हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी की, जो पहले किताब में नहीं होती थी, अब ये वाली डायग्राम किताब में आ गई, ये पहले किताब में नहीं होती थी, ठीक है ना। बट आई यूज टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन द बोर्ड while I was teaching the subject. अब देख रहे हैं ना, तो सब कुछ सेम है, गोल सेटिंग का प्रोसेस पहले भी था अब भी है, एग्जैक्टली सेम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन MBO का टॉपिक सेम है, किसी कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। ये डायग्राम ऐड हो गई है, ये reinforcement theory की डायग्राम डाल दी है, पहले नहीं होती थी, याद है reinforcement theory तो अभी आई भी थी पेपर में सितंबर 19 में, इसका क्वेश्चन भी आया था, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी की डायग्राम ऐड कर दी है, ये पहले नहीं होती थी, ठीक है ना। तो माइक्रो लेवल चेंजेस के अंदर फिर ये देखो, ये उसने एक बड़ी एक समरी थी आपको मुहैया कर दी है थ्योरी की, दिस इज हाउ ही ड्रू अ डायग्राम टू एक्सप्लेन यू कि ये थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, रिवॉर्ड सिस्टम थ्योरीज में प्रोसेस थ्योरीज हैं, कॉन्टेंट थ्योरीज हैं और मॉडर्न थ्योरीज हैं। प्रोसेस थ्योरीज के अंदर विक्टर रूम है, मैकलेलैंड है, कंटेंट थ्योरीज के अंदर मैस्लो है, हर्ट्ज़बर्ग है, कंटेम्प्रेरी के अंदर गोल सेटिंग है, MBO है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, इक्विटी थ्योरी है, ये देखेंगे उसने, ये भी स्टिकी नोट है, दैट इज ऑल्सो स्टिकी नोट, ये भी स्टिकी नोट है, ठीक है। तो स्टिकी नोट से पूरा चैप्टर इनकैप्सुलेट हो जाता है। अगेन लीडरशिप डायग्राम आ गई, थ्योरीज के अंदर स्टाइल थ्योरीज, लिपिट एंड वाइट, ब्लेक एंड मुटॉन के डायग्राम पहले भी होती थी, अब भी है दोबारा, डायग्राम सेम है, ठीक है। हाँ अब ये देखें, ये ब्लेक एंड मुटॉन की डायग्राम को उसने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह फील्डलर मॉडल, फील्डलर मॉडल के अंदर पहले डायग्राम नहीं होती थी, अब उसने फील्डलर की आपको एक टेबल बना के दे दिया है कि फील्डलर में हम स्कोरिंग कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप अगर पास पास रख के, साथ साथ रख के अगर आप टेक्स्ट बुक्स को कंपेयर करेंगे तो यू वुड रियलाइज कि देर इज नो मच डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी देख लें उसने, फिर यहाँ भी एक ट्री, इसे कहते हैं ट्री, ये उसने ट्री बना दिया लीडरशिप का, इट्स अ ट्री ऑफ लीडरशिप, ठीक है। थेरीज आ गई, क्वालिटीज के मॉडल्स आ गए, नाइन चैप्टर एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है, सारे वही डिफरेंसेज, सक्सेसफुल वर्क टीम क्या होती है, इनइफेक्टिव वर्क टीम क्या होती है, बेलबिन के टीम रोल्स क्या होते हैं, टकमैन का मॉडल क्या होता है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज द सेम, ग्रुप कोहीजन क्या होती है, टेंथ चैप्टर बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये देख लें, ये रोल ऑफ थर्ड पार्टी भी सेम है। अगेन इफ यू आस्क मी, तो आई हैव सीन पीपल पासिंग द सब्जेक्ट बाई सेल्फ स्टडिंग, आई हैव सीन पीपल फेलिंग द सब्जेक्ट बाई सेल्फ स्टडिंग, तो ये आई कांट कमेंट ऑन दैट क्योंकि बिकॉज आई नो, आई डोंट नो यू ना, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मुझे आपकी कैपेसिटी का नहीं पता, मुझे आपकी कैपेबिलिटी का नहीं पता। आई विल बी ओनली एबल टू कमेंट इफ आई एम, फिजिबिलिटी कैन बी 100% इफ यू आर केपेबल इनफ, फिजिबिलिटी कैन बी 0% इफ यू आर नॉट अ सेल्फ स्टार्टर। तो इस पॉइंट पे, इस चीज पे कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट, ठीक, अभी मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। हाँ लेकिन अगर आप कंपेरिजन देखें तो यस, द स्टूडेंट हु टेक द क्लासेस दे पास द सब्जेक्ट इन अ हायर नंबर एज कम्पेयर टू दोज हु डू नॉट टेक द क्लासेस,
जो स्टूडेंट्स क्लासेस लेते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हाई होती है, वो ज्यादा पास करते हैं एज कम्पेयर टू जो क्लासेस नहीं लेते, ठीक है, ये मैं कमेंट कर सकता हूँ. सो ब्रॉडली कटिंग इट आउट, समअप करते हैं, टाइम इज रनिंग आउट. हमने सब्जेक्ट को अभी ब्रॉडली डिस्कस किया है, क्या चेंजेस नहीं आए, स्टडी ग्रिड चेंज नहीं हुई, चैप्टर का फ्लो चेंज नहीं हुआ, चैप्टर के टाइटल्स चेंज नहीं हुए, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं हुए. क्या चीज चेंज हुई है, मैक्रो लेवल चेंजेस हैं और माइक्रो लेवल चेंजेस हैं. इन मैक्रो लेवल चेंजेस सब्जेक्ट का अटायर चेंज हुआ है, अटायर मीन प्रेजेंटेशन चेंज हुई है, किताब की कलर स्कीम चेंज हुई है, कुछ चीजें ऐड की हैं चैप्टर में, चैप्टर एट अ ग्लांस का पॉइंट ऐड कर दिया है, स्टिकी नोट्स ऐड कर दिए हैं. एट माइक्रो लेवल कंटेंट के अंदर फ्लो ऑफ टेक्स्ट को इंप्रूव कर दिया है, डायग्राम्स ऐड कर दिए हैं. ब्रॉडली देखा जाए तो इंक्रीमेंटल लेवल चेंजेस आर देयर, रेडिकल लेवल चेंजेस नहीं है. ठीक है, वो लोग जिन्होंने पहले सब्जेक्ट को पढ़ा है, क्लासेस ली हैं, प्रिपेयर किया है, इफ दे बिलीव दैट दे कैन जस्ट गो थ्रू द ओल्ड बुक, तो आई वुड रिकमेंड कि पुरानी किताब से ही पढ़ें, टॉपिक वहीं से प्रिपेयर कर लें जो वहां से तैयारी की हुई है, लेकिन नई किताब को साथ जरूर रख लें, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, जस्ट नई किताब को एक ग्लांस से क्विक रिव्यू करते जाएं कि किस टॉपिक के अंदर कौन सी कोई, क्या कोई नई एग्जाम्पल तो नहीं आ गई, क्या कोई नया कॉम्पोनेंट तो नहीं आ गया. यस, स्कीम चेंज होने की वजह से थोड़ी टाइम कमिटमेंट बढ़ जाएगी आपकी, इट वुड टेक अ बिट ऑफ मच मोर टाइम, बट दिस वुड इंश्योर कि आप सब्जेक्ट को इजीली प्रिपेयर कर लेंगे नए टेक्स्ट के मुताबिक और इंशाल्लाह पास कर लेंगे. सो वील कंक्लूड दिस सेशन. आई होप दैट इट वॉज समथिंग फॉर योर नॉलेज. हाँ, अगर वर्डिंग में चेंज आया तो नहीं, वो आप पुरानी वर्डिंग वाली चल जाएगी. यस, अगर थ्योरी सेम है, वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज है, तो आप पुरानी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर. ठीक है, अपनी अगेन ये जो सीक्वेंस होता है ये आपकी अपनी मर्जी होती है. आई रिकमेंड कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाए. ठीक है, आई रिकमेंड के सेल्फ स्टडी की बजाय इट्स बेटर कि टेक सम गाइडेंस. ठीक है, देखिए आज की डिबेट का, आयशा अहमद, आज की डिबेट का ये स्कोप नहीं था कि हम, आज की डिबेट का जो स्कोप था वो सिर्फ सब्जेक्ट के चेंजेस पे आया था. ठीक है, सो दे माइट बी, यू माइट हैव सम अदर सेशन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई फेसबुक ग्रुप. ठीक है, सो आई मे कमेंट ऑन इट, बट वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन इट. ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच. अगेन दिस इज नॉट माई डिसीजन टू मेक, यू कैन टॉक टू मैनेजमेंट, यू मे आस्क देम कि वो इस तरह का कोई आपको क्रैश कोर्स ऑफर कर दें, so I'd be more than happy to offer that. ठीक है, आप मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.